एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये भीगा हुआ का कपड़ा है, इस पर हम मार के दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें से कैसे भाप निकल रही है, मतलब कितना तेज सूख रहा है ये पानी, देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास ब्लैक कलर की कार है तो उसको आप कैसे अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, उसका पेंट का प्रोटेक्शन भी अच्छा हो, वो क्लीन भी हमेशा रहे और ज़्यादा स्क्रैच भी ना पड़े। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि भाई ब्लैक कलर की कार को कैसे मेंटेन रखा जाए, तो मैं आपको आज बिल्कुल देसी सा तरीका बताऊंगा। ज़्यादा कुछ भी खर्चा वर्चा नहीं करना है, कम खर्चे में बिल्कुल आपकी कार मेंटेन रहेगी, साफ रहेगी। हाँ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके पास ब्लैक कार है ना तो वो काफ़ी जल्दी गंदी होती है, धूल उस पर ज़्यादा चिपकती है। अगर वाइट कार है तो आप हफ्ते में एक बार भी धोते हैं तो वो ज़्यादा उतनी गंदा नहीं होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गंदा होती है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी फुल डिटेल बताएंगे, देसी तरीका, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा आपको उस पर खर्चा नहीं करना है। बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो है माइक्रो फाइबर की। ये यार थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको माइक्रो फाइबर लेना पड़ेगा। आप कोई और भी कपड़ा अगर लेते हैं तो स्क्रैच ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप माइक्रो फाइबर लेंगे तो स्क्रैच कम पड़ेंगे। और चलिए बिल्कुल देसी तरीके से बताते हैं कैसे आप बिल्कुल एकदम चमका सकते हैं अपनी धनों को। तो यार सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अपनी कार धूप में नहीं धुलनी है। पता है क्या होता है, जब धूप में आप धुलते हैं तो पानी जो होता है ना जल्दी जल्दी सूख जाता है, और पानी के जो दाग पड़ जाते हैं ब्लैक कलर की गाड़ियों पे वो जल्दी साफ नहीं होते, उसके लिए फिर से आपको धुलना पड़ता है, फिर से शैम्पू करना पड़ता है। तो हमारे साथ क्या कंडीशन आ गई है कि अभी धूप नहीं थी लेकिन बारिश का मौसम हो गया है ना, तो धूप आ रही है जा रही है आ रही है जा रही, तो हम सोचे धुल ही लेते। देखिए किस हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है लेकिन फिर भी गंदी हुई है। ये देखिए इसको इतने अच्छे से धुलेंगे कम संसाधनों में और ये बिल्कुल चमक जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं लोग, जैसे ये छोटा वाला पाइप जो है जो टोटी में लगा के करते हैं, इस वाले पाइप का यूज़ करा करिए, क्योंकि इससे कम पानी खर्च होता है। वैसे अगर समरसेबल से लगा के धुलते हैं आप तो काफ़ी वाटर का वेस्टेज होता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ अगर आपके पास जैसे मशीन वशीन भी है, अगर वो शैम्पू वम्पू करने वाली या फिर प्रेशर वाली, तो उससे भी धुल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही नॉर्मल तरीके से धुल रहा हूँ। मेरे पास भी सारे संसाधन हैं लेकिन मैं कम वाले से ही धुल के आपको पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ। और एक बात भाई, कभी भी गाड़ी पे ना सूखा मतलब गाड़ी अगर पानी ना पड़ा हो तो उस पर कपड़ा नहीं मारना चाहिए, चाहे वो माइक्रो फाइबर हो या कोई भी फाइबर हो। गाड़ी को पहले भिगो लें इसके बाद ही कपड़ा मारें, वो भी शैम्पू के साथ। सूखा कपड़ा कभी नहीं मारना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं। एक बार पूरी गाड़ी को ऐसे हम भिगो लेंगे फिर इसके बाद हम शैम्पू का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरे गाड़ी पे चारों तरफ से पानी मार रहे हैं ताकि जो भी धूल मिट्टी कुछ भी लगा है वो थोड़ा हट जाए, कम हो जाए। इसके बाद हम माइक्रोफाइबर में शैम्पू का यूज़ करके इसको फिर हम अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर आप देखिएगा कि ये गाड़ी कितनी चमक जाएगी, हम कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करने वाले, मतलब ऐसे तरीके से धुलेंगे ताकि सबके पास वो चीज़ अवेलेबल हो और आराम से धुल जाए, क्योंकि सबके पास प्रेशर वाला वो पंप नहीं होता है और बाकी भी चीज़ें नहीं होती हैं। और हम शैम्पू जो यूज़ करने वाले हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल जो घरों में यूज़ होता है बाल धोने के लिए, वो वाला शैम्पू यूज़ करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। और देखिएगा गाड़ी कितनी चमक जाएगी। तो यार आपको क्या करना है कि मग में, देखिए मग में पानी ले लेना है, और मैं यूज़ करने जा रहा हूँ हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से एक मात्रा अपना वो मेज़र कर लीजिएगा कितना पड़ेगा, मैं इतना ही डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगा, ठीक। अब इसको बंद करके और इसको प्रॉपर ऐसे हाथ से ऐसे घुमा घुमा के इसको मिला लेना है, ठीक है। जब इसमें जो भी शैम्पू के मतलब वो पेस्ट है वो पूरा घुल जाना चाहिए। तो देखिए अब ये घुल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम माइक्रो फाइबर यूज़ कर रहे हैं, इसको पहले भिगो लेंगे। देखिए पहले हम इसको भिगो लेते हैं प्रॉपर, अच्छी तरीके से भिगो लेंगे। अगर इसको नहीं आप भिगोते हैं तो पूरा सोख लेगा शैम्पू यही। तो इसको हमने भिगो दिया है,
और देखिए धूप में धुलने का नुकसान क्या हो रहा है कि गाड़ी मेरी फिर से सूख गई। अब इस पे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से पानी डालना पड़ेगा। अगर फिर से पानी नहीं डालता हूँ मैं तो इस पे दाग धब्बे बनने, मतलब वाटर के जो स्पॉट होते हैं ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मेरे को मेहनत करनी पड़ी। आप लोग ये गलती मत करिएगा, धूप में कभी भी ब्लैक कलर की कार को ना धुलिएगा। बहुत व्हाइट पे तो पता नहीं चलता लेकिन ब्लैक पे बहुत ज़्यादा पता चलता है। और मौसम ही कुछ ऐसा है कि क्या बताया, अभी धूप नहीं थी, अभी धूप होने लगी, अभी स्टार्ट कर दिए थे तो मैं सोचा कि धुल ही लेता हूँ। तो ये करने के बाद अब हम शैम्पू का गाड़ी पे मारना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे इसको डिप कर लीजिए और डिप करने के बाद थोड़ा सा इसका ऐसे निकाल के, अब देखिए ऐसे पकड़ना और ऐसे सर्कुलर मोशन में ना ही मारे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे ऐसे मार ले, ऐसे जल्दी भी होता है और प्रॉपर लग पाता है, देख सकते हैं आप। देखिए जब इस वाले पोर्शन पे आप आए तो देखिए जब आप ऐसे मारेंगे तो बहुत जल्दी ये, मतलब आप ये दूरी जो है वो कवर कर पाएंगे। अगर आप सर्कुलर मारने लगे ऐसे ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। चलिए देखता पहले आप ये ऊपर का मार लिया करिए, पहले इसे पूरा साफ कर ले, मतलब इस पे पूरा शैम्पू जब लग जाए तो एलॉय व्हील का जो पोर्शन आता है एलॉय व्हील को सबसे बाद में आप धुला करें। और एक बात, अगर आप धूप में धुल रहे हैं, आपको जरूरत है गाड़ी धुलने की, धूप ही में धुल रहे हैं, तो एक तरफ से शैम्पू मारते जाइए और एक तरफ से पानी मारते जाइए ताकि शैम्पू सूखने ना पाए। अगर शैम्पू सूख रहा है तो फिर समझ लीजिए कि वो दाग बनने शुरू हो जाएंगे। तो इतना दूर हमने मार लिया, अब हम इस पे शैम्पू पे पानी मार देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से सूख रहा है ये, इसपे हम पानी मारते हैं जल्दी से। अगर ये छोटे वाले पाइप से अगर आप अपनी कार धुलते हैं तो बहुत कम पानी में आप कार धुल लेंगे, 30-40 लीटर पानी में आपकी कार धुल जाएगी। अगर आप वो समरसेबल का डायरेक्ट लगा देंगे तो भाई बहुत ज़्यादा पानी का खर्चा होता है, उसमें बिजली का भी खर्चा होता है, इसमें बिजली का भी बच जाता है आपका। देखिए जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया अब इस पर हमने पानी मार दिया ताकि ये शैम्पू सूखने ना पाए। बस तो देखिए जैसे इतनी धूप हो गई है ना तो बोनट पूरा गर्म हो गया है, इसके वजह से ये बहुत तेजी से सूख रहा है। तो देखिए एक एक पार्ट करके आप शैम्पू लगाइए, मैं इस पार्ट पे शैम्पू लगा दी हूँ, अब इस पर मैं पानी मार दूंगा तो ये भी मेरा एक क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रयास हो सके तो भाई आप लोग मतलब ऐसे जगह पे धोइए गाड़ी जहाँ पे छाया हो, थोड़ा छाया थी हमारे यहाँ लेकिन अभी नहीं है, तो अगर छाए में धोएंगे तो कम जल्दी सूखेगा देर में तो ज़्यादा स्पॉट नहीं पड़ेंगे आपके पानी के। देखिए अब बात आ जाती है एलॉय व्हील को धुलने के लिए, तो माइक्रोफाइबर को ऐसे पकड़ें पूरा हथेली में और देखिए ऐसे करके पूरा, ताकि आपको इसमें पकड़ पकड़ के अच्छे से ये साफ हो जाए। देखिए अंदर हाथ ऐसे डाल के ऐसे करके को साफ करना। टायर को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि जो ब्रश होता है ना कपड़ा धुलने वाला, उसको लेके ऐसे अगर रगड़ के साफ कर सकते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा आपका टायर गंदा हो तो उसका यूज़ किया करिएगा, जो भी मिट्टी विट्टी अच्छे से इसमें लगी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो ऐसे एलॉय व्हील को आपको धुलना है।
देखिए मैं आपको दिखाता हूँ धूप में धुलने का नतीजा, आप देख सकते हैं। देखिए ये दाग पड़ गया है, देख रहे हैं, यही होता है अगर आप धूप में धुलते हैं। पानी इतना जल्दी सूख जाता है ना कि वो देखिए हर जगह वो दाग आपको देखने के लिए मिलेगा पानी वाला। अब इसके वजह से अब मुझे फिर से इस पर पानी मारना पड़ेगा और फिर से इसको पोंछना पड़ेगा। ये देखिए एक यहाँ पे भी ये दाग है, ये दाग बनते जा रहे हैं। यार एक बात और है, अगर आप बरसात के दिन में गाड़ी चल रहे हैं ना, तो अगर आप डेली चलते हैं तो आपकी गाड़ी डेली गंदी होगी, और अगर उसे आप ले जाके सर्विस सेंटर पे धुलवाते हैं या फिर जहाँ धुलाई होती है तो बड़ा महंगा पड़ जाता है यार। मतलब 500-600 रुपये रोज़ आपको देने पड़ जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप घर पे धुल लें। वो एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये भीगा हुआ का कपड़ा है, इस पर हम मार के दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें से कैसे भाफ निकल रही है, मतलब कितना तेज़ सूख रहा है ये पानी, देख सकते हैं आप। तो यही दिक्कत है भाई, कभी भी आप लोग अपनी गाड़ी धूप में ना धुला करिए। मैंने धुल लिया, दिखा दिया आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है और ब्लैक गाड़ियों पे कितना स्पॉट पड़ता है सूखने का। तो यार गाड़ी हमारी धुल के तैयार हो गई है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि धूप में धुलें। अब आप देख सकते हैं जो मतलब वॉशिंग सेंटर होते हैं उनसे अच्छी धुली है, हमने कोई पॉलिश का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी गाड़ी धोएं तो टायर पॉलिश ज़रूर लगाते हैं। अभी ये भीगा हुआ है इसके वजह से मैं इस पर टायर पॉलिश नहीं लगाया हूँ, जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं इस पर टायर पॉलिश लगा दूंगा, क्योंकि टायर पॉलिश लगाने के बाद यार गाड़ी बिल्कुल चमक जाती है, तब लगता है कि हाँ ये गाड़ी धुली हुई है। उसके पहले तो आप कितना साफ़ कर लें, पूरी गाड़ी साफ़ हो जाए, जब तक टायर नहीं साफ़ होते चमकते नहीं है तब तक वो फील नहीं आता है कि ये धुली है या नहीं धुली है। तो ये है गाड़ी मेरी कंप्लीट। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी यार ब्लैक गाड़ी आप रखते हैं तो आप बाहर पॉलिश लगाने से मतलब आउटर बॉडी पे पॉलिश लगाने से बचें, क्योंकि ऐसे तो कम धूल आएगी, मतलब कम धूल इकट्ठा होती है, लेकिन जब आप पॉलिश लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धूल वो गाड़ी पे जमने लगती है, तो इसके वजह से वो और भी ज़्यादा गंदी होती है। हाँ आप अंदर यूज़ कर सकते हैं पॉलिश, बाहर पॉलिश ना यूज़ करें, नॉर्मली आप माइक्रोफाइबर से ही अच्छे से साफ़ करके धुल दें, मतलब बढ़िया से वाइप कर दें। देखिए कितना अच्छा शाइन कर रही है गाड़ी, हमने कुछ भी एडिशनल यूज़ नहीं किया है, आपके सामने ही सब कुछ करा है, देख सकते हैं। तो ये चमक रही है गाड़ी। अगर आप ब्लैक गाड़ी है आपके पास और आप सोचते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक चमकती रहे तो आप PPF करा सकते हैं। PPF कराने के फ़ायदे यही होते हैं कि उस पर स्क्रैचेस कम पड़ते हैं, और जब आप PPF उखाड़ते हैं तो वो गाड़ी बिल्कुल नई की नई दिखती है। अगर आपका बजट कहता हो तो करा लीजिए, बाकी उसके क्या फ़ायदे नुकसान है मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब बात आ जाती है गाड़ी के अंदर जो इंजन वाला पार्ट होता है वो कैसे धुलता है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पर थोड़ा सा घूम फिर के देख सकते हैं कहाँ वीडियो है, ठीक है। तो भाई इतनी मेहनत के बाद गाड़ी तो सूख गई लेकिन अपने आप को पसीना आने लगा और गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, देख सकते हैं स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये देखिए जब सन की लाइट पड़ रही है तो पता चल रहा है। अब इस पे मैं कुछ टाइम के बाद रबिंग करवा दूंगा तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये है यार पूरी वीडियो, आप ये चीज़ फॉलो करके अपनी कार को आराम से धुल सकते हैं। बस ट्राई करा करिए कि हफ्ते में 2 दिन तो धुली जाए गाड़ी, अगर चल रही है तो 2 दिन कम से कम 2 दिन धुल जाए, बहुत ज़्यादा रोज़ भी ना धुला करिए, उससे भी ज़्यादा माइक्रोफाइबर यूज़ करने के बाद भी स्क्रैच पड़ते हैं। हाँ ये है कि माइक्रोफाइबर से थोड़े कम पड़ते हैं लेकिन पड़ते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी गाड़ी को धुलिए, कोई टेंशन नहीं होगा, गाड़ी एकदम चमकती रहेगी। ब्लैक कलर की गाड़ियों का अपना अलग ही एक जलवा होता है लेकिन मेहनत भी अच्छी खासी कराती है। ब्लैक गाड़ी अगर ऑन करते हैं तो मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए, नहीं तो फिर आप ब्लैक गाड़ी मत लीजिए। तो कैसी लगी यार वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके बताना क्या अच्छे तरीके से धुली हमने गाड़ी या नहीं धुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।